हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दया। नाउ वी आर डूइंग कॉमनली यूज्ड इडियम्स, तो चलिए करते हैं शुरू। बैरल ऑफ लाफ मीन्स समवन हु इज़ वेरी फनी। ओल्ड एज द हिल्स सम हु इज़ वेरी ओल्ड। इन द डॉग हाउस टू हैव सम अनहैप्पी विद यू। अप फॉर ग्रैब्स अवेलेबल फॉर एनीवन। स्प्लिट हेयर्स argue or worry about small details. Round the bend crazy or insane. See eye to eye to conquer agree. Break a leg good luck. तो बैरल ऑफ लाफ को हिंदी में कहेंगे कि जो बहुत ही फनी है, जिसको देखकर हंसी आए। ओल्ड एज द हिल्स मतलब बहुत ही बूढ़ा। इन द डॉग हाउस मतलब किसी के साथ जिसके साथ आप अनहैप्पी हैं। अप फॉर ग्रैब्स जो हर समय जो अवेलेबल रहता है सबके लिए। स्प्लिट हेयर्स मतलब वरी करना या किसी के साथ बहस करना, चिंता करना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। राउंड द बैंड मतलब क्रेजी इनसेन पागलपन। सी आई टू आई मतलब टू कॉन्कर और एग्री जीतना या किसी चीज़ पर सहमत करना। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक मतलब कि अच्छा भाग्य। तो ये कुछ ईडियम्स हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं डेली यूज़ में। तो ये यूसेज में अगर हम लाते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में तो दैट विल मेक आवर कॉन्वर्सेशन क्वाइट इफेक्टिव। तो चलिए देखते हैं कुछ और ईडियम्स। क्यूरियसिटी किल्ड द कैट मतलब बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल। कई बार बहुत ज़्यादा उत्सुकता जो है वो हमें मुसीबत में डाल देती है। नाइन ऑलवेज हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग द शो हैज़ कम टू एन एंड इट्स ऑल ओवर। इसका मतलब क्या है कि जो बात थी वो ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टू लास्ट स्ट्रॉ मतलब कि द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। फाइनल प्रॉब्लम तक पहुंचते पहुंचते जो है अल्टीमेटली जब सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स से हम गुजर रहे हैं तो फाइनली भी हम प्रॉब्लम में ही पड़ गए, तो वो होता है टू लास्ट स्ट्रॉ। ज्वाइंड एट द हिप टू बी एक्सेप्शनली क्लोज टू समवन किसी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, करीबी होना, उसको बोलेंगे ज्वाइंट एट द हिप। ऑल राइट, लेट अस डू सम मोर ईडियम्स। बॉल इज़ इन योर कोर्ट मतलब कि इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। मतलब कि सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। बार्किंग अप द रोंग ट्री लुकिंग इन द रोंग प्लेस मतलब किसी गलत जगह पर कुछ चीज़ ढूंढना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। Be happy when a person leaves मतलब किसी के चले जाने पर खुश हो जाना। Against the clock मतलब rushed and short on time मतलब कि बहुत ही कम समय होना और जल्दबाजी मचाना फिर उसकी वजह से। Don't judge a book by its cover इसका मतलब है don't judge something primarily by its appearance। किसी को देखने से ही ना जजमेंट उसका करना कि ये ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, तो वो होता है डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर मतलब कि किसी को पहले से ही कम या ज़्यादा नहीं आंकना उसकी बाहरी अपीयरेंस को देखकर। थैंक्स टू का मतलब होता है ड्यू टू की, इसकी वजह से। ब्लाइंड डेट मतलब अ डेट वेयर द टू पीपल हैव नेवर मेट बिफोर। दो ऐसे लोग मिलते हैं जब जो पहले कभी नहीं मिले हैं तो उसको बोलेंगे ब्लाइंड डेट। गेट अलोंग विद टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन किसी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होना। किक द बकेट डाई किक द बकेट का मतलब होता है डेथ हो जाना। ओल्ड बॉल अ वियर्ड डू और अ स्ट्रेंज पर्सन एक अजनबी पर्सन। नी जर्क रिएक्शन अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिएक्शन एक बहुत जल्दबाजी वाला रिस्पॉन्स किसी को देना। हैंग इन देयर मतलब कि डोंट गिव अप मतलब कि हार ना मानना। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है काम डाउन शांत हो जाना। सो फार सो गुड थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार मतलब कि बहुत अच्छा जाना और बहुत ही बढ़िया काम होना। डाउन टू अर्थ सेंसिबल एंड रियलिस्टिक जो बहुत ही वास्तविकता से भरा हो और सेंसिबल हो उसको बोलेंगे डाउन टू अर्थ। So these are very much important idioms that we must take care of to improve our communication.